आगे प्रश्नों की ओर चलते हैं, जहां पर दिया गया है कि समीकरणों के मुख्य हल ज्ञात कीजिए। तो इसमें से पहला प्रश्न है साइन थीटा इक्वल टू रूट थ्री अपॉन टू। मुख्य हल का तात्पर्य कोण के ऐसे मान से है जो कि 0 से 360 डिग्री के बीच में है। तो पूर्व में ही आप पढ़ चुके हैं कि यदि ये 0 डिग्री की लाइन हो, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री की लाइन हो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कोण बन रहा है, इसमें से कोई दो ऐसे कोण मिलेंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। उदाहरण के तौर पर साइन थीटा इक्वल टू रूट थ्री बाई टू, ये धनात्मक मान है। हमें ये पता है कि प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश पर साइन और कोसेक धनात्मक होता है, तृतीय चतुर्थांश पर टेन और कॉट धनात्मक होता है और चतुर्थ चतुर्थांश पर कॉस और सेक धनात्मक होता है। चूँकि यहाँ पर धनात्मक मान है तो प्रथम चतुर्थांश पर भी एक ऐसा मान मिलेगा, कोण का मान, जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, और उसी प्रकार दूसरे चतुर्थांश पर भी हमें एक ऐसा मान मिलेगा जो इस दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो चलिए इसे आगे हल करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू रूट थ्री बाई टू धनात्मक है, अतः थीटा का मान प्रथम व द्वितीय चतुर्थांश पर स्थित होगा। तो हमने समय संख्या पर भी यह देखा था कि प्रथम चतुर्थांश पर थीटा इक्वल टू अल्फा होता है, द्वितीय चतुर्थांश पर थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा होता है, तृतीय चतुर्थांश पर थीटा इक्वल टू पाई प्लस अल्फा और चतुर्थ चतुर्थांश पर थीटा इक्वल टू 2π माइनस अल्फा यह होता है, या फिर माइनस अल्फा भी होता है। माइनस का मतलब है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर एंगल का मेज़रमेंट किया जा रहा है। तो प्रथम चतुर्थांश पर साइन थीटा इक्वल टू रूट थ्री बाई टू, और आपको यह पता है कि यह साइन 60 डिग्री का मान होता है, तो इसे आप साइन 60 डिग्री भी लिख सकते हैं, या फिर रेडियन में लिखना चाहें तो पाई बाई थ्री रेडियन लिख सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई थ्री, तो इससे आपको मिल जाएगा थीटा इक्वल टू पाई बाई थ्री। तो ये मुख्य हल में से एक हल है। अब आते हैं दूसरे चतुर्थांश पर। दूसरे चतुर्थांश पर साइन थीटा इक्वल टू रूट थ्री अपॉन टू इक्वल टू साइन पाई माइनस अल्फा। पाई माइनस अल्फा का मतलब प्रथम चतुर्थांश में जो कोण हमें मिल रहा है ये है पाई बाई थ्री। इसे आप आगे हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन 3π - π, दैट इज 2π/3। तो इसे सरल करने पर आपको मिल रहा है थीटा इक्वल टू 2π/3। तो ये दूसरा हल है। तो हम आगे लिखेंगे कि अभीष्ट मुख्य हल जो हमें चाहिए था ये है थीटा इक्वल टू पाई बाई थ्री व थीटा इक्वल टू 2π/3 है। अगला प्रश्न है जिसमें हमें समीकरण के मुख्य हल ज्ञात करना है, कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2। तो जब भी कोई फंक्शन का मान कुछ इस तरीके से दिया हो तो मुख्य मान ज्ञात करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से चतुर्थांश पर थीटा का मान उपस्थित है। तो जैसे कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि यह प्रथम चतुर्थांश है, यह द्वितीय चतुर्थांश है, यह तृतीय चतुर्थांश है और यह अंत में चतुर्थ चतुर्थांश है। प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं, दूसरे चतुर्थांश पर साइन और कोसेक धनात्मक होता है, तृतीय चतुर्थांश पर टैन और कॉट धनात्मक होता है और चतुर्थ चतुर्थांश पर कॉस और सेक धनात्मक होता है। यहाँ पर कॉस थीटा दिया गया है इक्वल टू 1/√2, यह मान धनात्मक है। इसका मतलब यह है कि थीटा का मान जो है ये प्रथम चतुर्थांश पर और चतुर्थ चतुर्थांश पर हमें प्राप्त होने वाला है। मुख्य मान का तात्पर्य 0 डिग्री से पूरा का पूरा एक चक्कर लगाने तक 360 डिग्री के बीच में कोई दो कोण मिलेगा जिसे हम मुख्य मान के नाम से जानते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हम लिखेंगे कि चूंकि कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2 धनात्मक है,
अतः थीटा का मान प्रथम व चतुर्थ चतुर्थांश पर स्थित होगा। तो माना कि कॉस अल्फा इक्वल टू वन अपॉन रूट टू, तो कॉस थीटा या फिर कॉस के टेबल में वन अपॉन रूट टू ये 45 डिग्री के लिए आता है, या फिर इसे आप लिख सकते हैं कॉस पाई बाई फोर। तो इसे हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू पाई बाई फोर रेडियन, तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो प्रथम चतुर्थांश पर आप सीधे लिख सकते हैं इसी तरीके से, प्रथम चतुर्थांश पर थीटा इक्वल टू अल्फा होता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू वन अपॉन रूट टू इक्वल टू कॉस पाई बाई फोर, और इससे इम्प्लाई होगा कि थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर, यह एक मुख्य मान है। और फिर चतुर्थ चतुर्थांश पर हम देखते हैं थीटा का मान होता है टू पाई माइनस अल्फा, तो टू पाई माइनस अल्फा ये मान अल्फा है, तो आप इसे लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू वन अपॉन रूट टू इक्वल टू कॉस टू पाई माइनस अल्फा, और अल्फा है पाई बाई फोर। आगे जब सॉल्व करेंगे तो फोर इंटू टू पाई करेंगे एट पाई, एट पाई माइनस पाई दैट इज सेवन पाई अपॉन फोर। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकलेगा कि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस सेवन पाई बाई फोर है, तो थीटा इक्वल टू सेवन पाई बाई फोर मिला। तो इस तरीके से हम लिखेंगे अभिष्ट मुख्य हल या मुख्य मान थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर और सेवन पाई बाई फोर है। तो अब तीसरा प्रश्न, टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री, इसका भी हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। टेन थीटा धनात्मक मान है यहाँ पर, तो देखिए प्रथम चतुर्थांश पर सभी त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं, इसका मतलब ये कि टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री के लिए जो मुख्य मान मिलेगा वो 0 से 90 डिग्री के बीच में एक एंगल मिलेगा। और दूसरा है तृतीय चतुर्थांश पर टेन थीटा या टेन फंक्शन जो होता है वो धनात्मक होता है, तो यहाँ पर तृतीय चतुर्थांश पर हमें थीटा का मान मिलेगा। तो हम लिखेंगे चूँकि टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री धनात्मक है, अतः थीटा का मान प्रथम व तृतीय चतुर्थांश पर होगा। तो चलिए इसे हम लिखते हैं टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री। अब टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री ये टेन 60 डिग्री या फिर पाई बाई थ्री रेडियन के लिए मान होता है, तो इसे हम लिखेंगे टेन पाई बाई थ्री। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो है ये प्रथम चतुर्थांश के लिए है, प्रथम चतुर्थांश पर टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री इक्वल टू टेन पाई बाई थ्री, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा थीटा इक्वल टू पाई बाई थ्री। अब आ जाते हैं तृतीय चतुर्थांश पर, तृतीय चतुर्थांश पर हम देखते हैं कि थीटा इक्वल टू पाई प्लस अल्फा होता है, जहाँ पर अल्फा जो है वो प्रथम चतुर्थांश पर मान है। तो एक काम करते हैं, पहले हम अल्फा का मान निकाल लेते हैं। तो माना टेन अल्फा इक्वल टू रूट थ्री, यहाँ पर जो भी मान दिया होता है उसका धनात्मक मान लेकर के हम टेन अल्फा लिखते हैं, और ये है टेन पाई बाई थ्री के बराबर में, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू पाई बाई थ्री। अब तृतीय चतुर्थांश पर थीटा इक्वल टू पाई प्लस अल्फा होता है, तो आप यहाँ से लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री इक्वल टू टेन ऑफ पाई प्लस अल्फा, और अल्फा का मान है पाई बाई थ्री। इसे जब सॉल्व करेंगे तो थ्री पाई प्लस पाई फोर पाई, तो इस तरीके से मिल जाएगा आपको टेन फोर पाई बाई थ्री, और आगे जब इसे आप सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा थीटा इक्वल टू फोर पाई बाई थ्री। टेन थीटा इक्वल टू टेन फोर पाई बाई थ्री है, तो थीटा इक्वल टू मिल जाएगा फोर पाई बाई थ्री। तो इस तरीके से हम लिखेंगे कि अभिष्ट मुख्य मान या फिर मुख्य हल थीटा इक्वल टू पाई बाई थ्री और फोर पाई बाई थ्री है,
चौथे प्रश्न पर देखते हैं कि tan थीटा इक्वल टू माइनस वन है, इसके लिए हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। तो पहली बात ये कि tan थीटा का मान ऋणात्मक है, तो ये द्वितीय चतुर्थांश पर tan थीटा का मान ऋणात्मक होगा और चतुर्थ चतुर्थांश पर tan थीटा का मान ऋणात्मक होगा। तो इस तरीके से हम लिखेंगे कि चूंकि tan थीटा इक्वल टू माइनस वन ऋणात्मक है, अतः थीटा का मान द्वितीय व चतुर्थ चतुर्थांश पर स्थित होगा या चतुर्थ चतुर्थांश पर होगा। तो इसके लिए हम माना tan अल्फा इक्वल टू वन, यहाँ पर जो मान दिया गया है उसे आप धनात्मक मान लिखेंगे और थीटा के जगह आप अल्फा लिखेंगे। तो इसे जब आगे सरल करेंगे तो ये tan 45 डिग्री या फिर पाई बाई फोर रेडियन का मान होता है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा tan अल्फा इक्वल टू tan पाई बाई फोर, तो आपको मिलेगा अल्फा इक्वल टू पाई बाई फोर, ये मान हमें मिल गया। अब ज्ञात करना है द्वितीय चतुर्थांश पर, तो द्वितीय चतुर्थांश पर थीटा इक्वल टू होता है पाई माइनस अल्फा, तो इस तरीके से आप लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू माइनस वन इक्वल टू tan पाई माइनस अल्फा, और अल्फा का मान है पाई बाई फोर। इसे जब सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 4 पाई माइनस पाई, दैट इज 4 पाई माइनस पाई करेंगे तो मिल जाएगा 3 पाई, तो ये आगे मिलेगा tan 3 पाई बाई फोर। तो tan थीटा इक्वल टू tan 3 पाई बाई फोर, तो यहाँ से आप लिखेंगे थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई फोर, तो ये एक मुख्य मान हमें प्राप्त हो चुका है। अब चलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश पर, चतुर्थ चतुर्थांश पर थीटा इक्वल टू होता है 2 पाई माइनस अल्फा, तो यहाँ से हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू माइनस वन इक्वल टू tan 2 पाई माइनस अल्फा, और अल्फा का मान है पाई बाई फोर। 4 इंटू टू पाई करेंगे मिलेगा 8 पाई, 8 पाई में पाई को घटाएंगे मिलेगा 7 पाई, तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं tan 7 पाई बाई फोर। तो देखिए tan थीटा इक्वल टू tan 7 पाई बाई फोर मिला है, तो आप लिखेंगे थीटा इक्वल टू 7 पाई बाई फोर, तो ये दूसरा मुख्य मान हमें प्राप्त हो चुका है। तो आगे आप लिखेंगे अभीष्ट मुख्य मान या मुख्य हल थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई फोर और 7 पाई बाई फोर है। आगे पांचवा प्रश्न दिया गया है साइन थीटा इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट टू, साइन थीटा इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट टू, साइन फंक्शन का मान ऋणात्मक है। तो प्रथम चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश पर तो साइन थीटा का मान धनात्मक होता है, अब बच गए दो चतुर्थांश, तो तृतीय चतुर्थांश पर साइन थीटा का मान ऋणात्मक मिलेगा और चतुर्थ चतुर्थांश पर साइन थीटा का मान ऋणात्मक मिलेगा। तो इसका मतलब ये कि तीसरे और चतुर्थ चतुर्थांश पर हमें थीटा का मुख्य मान मिलेगा। तो चलिए इसे हल करते हैं, तो हम लिखेंगे कि चूंकि साइन थीटा इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट टू ऋणात्मक है, अतः थीटा का मान तृतीय व चतुर्थ चतुर्थांश पर स्थित होगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि माना साइन अल्फा इक्वल टू वन अपॉन रूट टू, यहाँ पर जो मान दिया गया उसे धनात्मक लिखेंगे और थीटा को हम अल्फा से रिप्लेस कर देंगे। तो साइन अल्फा इक्वल टू वन अपॉन रूट टू, ये साइन 45 डिग्री या फिर पाई बाई फोर रेडियन का मान होता है, तो आप यहाँ से लिखेंगे साइन पाई बाई फोर, और साइन अल्फा इक्वल टू साइन पाई बाई फोर है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू पाई बाई फोर रेडियन, ये अल्फा का मान मिल गया। अब तृतीय चतुर्थांश पर थीटा इक्वल टू पाई प्लस अल्फा होता है, तो यहाँ से आप लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट टू इक्वल टू साइन पाई प्लस अल्फा, और अल्फा का मान है पाई बाई फोर। इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा फाइव पाई बाई फोर से साइन फाइव पाई बाई फोर, साइन थीटा इक्वल टू साइन फाइव पाई बाई फोर है,
तो इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि थीटा इक्वल टू 5π/4 होगा। तो ये एक मुख्य मान प्राप्त हो गया। अब चतुर्थ चतुर्थांश पर देखते हैं, थीटा इक्वल टू होता है 2π-α। तो यहाँ से आप लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू -1/√2 इक्वल टू साइन 2π-π/4, अल्फा का मान π/4। इसे जब सरल करेंगे तो 4 × 2π 8π और -π 7π, तो इस तरीके से मिलेगा साइन 7π/4। साइन थीटा इक्वल टू साइन 7π/4 है, तो यहाँ से आप लिखेंगे थीटा इक्वल टू 7π/4। ये आपको दूसरा मुख्य मान प्राप्त हो चुका। तो इसे लिखेंगे कि अभीष्ट मुख्य मान या फिर मुख्य हल थीटा इक्वल टू 5π/4 और 7π/4 है। इसमें छठवां प्रश्न है कोसेक थीटा इक्वल टू -2। तो ये और आसान हो जाएगा यदि इसे हम साइन के रूप में परिवर्तित कर लें। तो कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin θ और ये -2। इसमें जब व्युत्क्रमानुपात लगाएंगे या फिर दोनों को 1/ लिखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल टू -1/2, या फिर तिर्यक गुणा कर लीजिए तो साइन थीटा यहाँ पर आएगा और ये -1/2 आ जाएगा। अब फिर से साइन थीटा का मान ऋणात्मक है, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश पर साइन थीटा ऋणात्मक होता है, अर्थात थीटा का जो मुख्य मान हमें चाहिए वह तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश पर मिलेगा। तो लिखते हैं कि चूंकि साइन थीटा इक्वल टू -1/2 ऋणात्मक है, अतः थीटा का मान तृतीय व चतुर्थ चतुर्थांश पर स्थित होगा। माना साइन अल्फा इक्वल टू 1/2, यहाँ पर जो मान है उसे धनात्मक लिखना है और थीटा को अल्फा से रिप्लेस कर देना है। तो साइन अल्फा इक्वल टू 1/2, ये साइन 30° का मान है, या फिर इसे आप लिख सकते हैं sin π/6। साइन अल्फा इक्वल टू sin π/6, तो आप लिखेंगे अल्फा इक्वल टू π/6। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। अब आगे देखेंगे तृतीय चतुर्थांश पर, तृतीय चतुर्थांश पर थीटा इक्वल टू होता है π+α। तो यहाँ से हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू -1/2 इक्वल टू साइन π+α, ये π/6, 6π+π 7π, तो ये आप लिखेंगे 7π/6। साइन थीटा इक्वल टू साइन 7π/6, तो यहाँ से लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 7π/6। तो ये एक मुख्य मान है जो कि हमें प्राप्त हो चुका है। अब चतुर्थ चतुर्थांश पर थीटा इक्वल टू होता है 2π-α। तो यहाँ से हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू -1/2 इक्वल टू साइन 2π-π/6। तो 6 × 2π 12π और -π करेंगे तो मिल जाएगा 11π। तो साइन 11π/6, साइन थीटा इक्वल टू साइन 11π/6, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 11π/6। तो ये दो मुख्य मान प्राप्त हो चुका है। तो हम लिखेंगे अभीष्ट मुख्य हल, अर्थात जो हल हमें चाहिए है वो है थीटा इक्वल टू 7π/6 और 11π/6 है। समीकरणों के व्यापक हल ज्ञात करना है हमें। पहला प्रश्न दिया गया है साइन थीटा इक्वल टू 1/2। तो इसके पहले हमने जो हल किया था वह था मुख्य मान ज्ञात करना, अर्थात थीटा का वह मान जो कि 0 से 360° के बीच में हो। लेकिन अब हमें व्यापक हल ज्ञात करना है जो कि n के पदों में होगा। हम n का मान रखेंगे और हमें अलग अलग कोणों का मान हमें मिलता जाएगा। तो ये साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है और ये साइन π/6 का मान होता है। तो देखिए ये साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म पर है,
तो चूंकि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो तो इसका जो हल है ये दिया जाता है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 का पावर एन अल्फा, जहाँ पर एन बिलोंग्स टू आई है, इससे इसका हल दिया जाता है। तो इसका उपयोग कर रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई सिक्स, अर्थात अल्फा के स्थान पर यदि मैं पाई बाई सिक्स लिख दूँ तो ये हमें इसका हल प्राप्त हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 का पावर एन अल्फा, अल्फा का तात्पर्य यहाँ पर पाई बाई सिक्स से है और ये एन बिलोंग्स टू आई, अर्थात एन एक पूर्णांक संख्या है, और यही इस समीकरण का हल है जो कि हमें ज्ञात करना था। इसमें दूसरा प्रश्न है 2 sin थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0। तो इसे हम साइन थीटा इक्वल टू के फॉर्म पे परिवर्तित कर लेते हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 sin थीटा इक्वल टू -√3, और आगे इसे पक्षांतर कर देंगे तो मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू -√3/2। तो चलिए आगे इसे हल करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू -√3/2 यह ऋणात्मक मान है, अतः थीटा का मान तृतीय व चतुर्थ चतुर्थांश पर स्थित होगा। तो इसके लिए हम पहले अल्फा का मान निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे माना साइन अल्फा इक्वल टू, जो मान हमें प्राप्त हुआ है उसका हम धनात्मक मान लिखेंगे। ये साइन 60 डिग्री के लिए होता है, अर्थात साइन पाई बाई थ्री रेडियन में आप लिख सकते हैं। तो साइन अल्फा इक्वल टू साइन पाई बाई थ्री, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा अल्फा इक्वल टू पाई बाई थ्री। तो इसका हम उपयोग आगे करेंगे। तृतीय चतुर्थांश पर तृतीय चतुर्थांश पर हम लिखते हैं थीटा इक्वल टू पाई प्लस अल्फा, अर्थात हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू -√3/2 इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाई थ्री। इसे आगे सरल करेंगे तो मिलेगा 3π + π 4π, तो साइन 4π/3। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा इस फॉर्म पर है, चूंकि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू हम लिखते हैं एन पाई प्लस -1 का पावर n अल्फा, जहाँ पर n बिलोंग्स टू i है। तो यहाँ पर ये जो अल्फा हम उपयोग करने वाले हैं वो यह मान नहीं है बल्कि यह मान है। तो यहाँ से हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 का पावर n इंटू 4π/3 वेयर n बिलोंग्स टू i। तो ये एक व्यापक हल हमें प्राप्त हुआ है तृतीय चतुर्थांश पर। अब चतुर्थ चतुर्थांश पर देखते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश पर हम यह लिखते हैं कि थीटा इक्वल टू 2π - α, तो यहाँ से हमें मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू -√3/2 इक्वल टू साइन 2π - α, और अल्फा ये वाला मान हम उपयोग करेंगे, ये पाई बाई थ्री। आगे हल करेंगे तो 3 × 2π 6π, 6π - π 5π, तो ये आपको मिल जाएगा साइन 5π/3। साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई फाइव, तो इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे, ये सूत्र का उपयोग हम यहाँ पर भी करेंगे, तो हमें मिल जाएगा थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा, और ये 5π/4 5π/3 वेयर n बिलोंग्स टू i। तो ये एक दूसरा व्यापक हल है जो कि हमें ज्ञात करना था। इसके अलावा हम यह जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो वो जो एंगल होगा, ये जो एंगल का मापन है, इस कोण का जो मापन है, ये हम धनात्मक रूप से कर रहे हैं। अब यदि इसमें उल्टी दिशा में, घड़ी की दिशा में यदि हम कोण का मापन करें तो वह ऋणात्मक दिशा में होता है। तो उसे आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू -π/3 होगा। अब आप लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू -√3/2 इक्वल टू साइन -π/3।
साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा हो तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन अल्फ़ा होता है, तो यहाँ से आपको हल मिल जाएगा थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन और अल्फ़ा, और अल्फ़ा का मान है माइनस पाई बाई थ्री। इसे जब आप आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा थीटा इक्वल टू एन पाई, ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा गुणा होकर के, प्लस और माइनस माइनस, फिर ये माइनस वन का पावर एन पाई बाई थ्री, वेयर एन बिलोंग्स टू आई। तो इस तरीके से भी आप हल लिख सकते हैं, यह भी मान सही है और इसके पहले हमने जो लिखा था 5π/3 के पदों में वह मान भी सही है। अब इस पर तीसरा प्रश्न दिया गया है, साइन थीटा इक्वल टू माइनस वन, इसका व्यापक हल हमें ज्ञात करना है। साइन थीटा इक्वल टू माइनस वन यह ऋणात्मक मान है, अतः थीटा का मान तृतीय व चतुर्थ चतुर्थांश पर स्थित होगा। यदि हम सीधे चतुर्थ चतुर्थांश पर निकालना चाहें, इसके पहले हमने प्रश्न में देखा था कि तीसरे और चतुर्थ चतुर्थांश पर हमने अलग अलग मान निकाल करके उसके व्यापक हल को ज्ञात किया था, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या फिर आप सीधे चतुर्थ चतुर्थांश पर इसका मान ऋणात्मक मापन की ओर करके भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चतुर्थ चतुर्थांश में थीटा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा, या फिर चूंकि आप जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इसे आप लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू माइनस वन इक्वल टू साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू। 90 डिग्री के लिए साइन 91 होता है, तो साइन ऑफ माइनस 90 डिग्री करेंगे या फिर माइनस पाई बाई टू रेडियन करेंगे तो वो भी आपको माइनस वन मिलेगा। अब देखिए ये साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा के फॉर्मेट पर है, तो चूँकि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा हो तो हम थीटा का मान लिखते हैं एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन अल्फ़ा, जहाँ पर एन जो है ये आई में बिलोंग करता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान है माइनस पाई बाई टू। इसे आगे सरल करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस गुणा होकर के माइनस आ जाएगा, तो आप लिखेंगे थीटा इक्वल टू एन पाई माइनस माइनस वन का पावर एन इंटू पाई बाई टू, वेयर एन बिलोंग्स टू आई, और यही व्यापक हल है जो कि हमें ज्ञात करना था। इसमें चौथा प्रश्न है टू कॉस थीटा इक्वल टू रूट थ्री, तो इसे आप सरल करें तो आप लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू रूट थ्री अपॉन टू। चूँकि यह मान धनात्मक है तो सीधे हम प्रथम चतुर्थांश पर मान निकाल लेंगे, और कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा के सूत्र में जो थीटा का मान होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, उससे हम सीधा व्यापक हल निकाल लेंगे। तो चलिए इसका हल करते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू रूट थ्री बाई टू, धनात्मक मान है, प्रथम चतुर्थांश पर स्थित है, यह कॉस 30 डिग्री का मान है अर्थात कॉस पाई बाई सिक्स का, तो इसे आप लिखेंगे कॉस पाई बाई सिक्स, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई बाई सिक्स। चूँकि आपको पता है कि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा हो तो थीटा का मान होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, वेयर n बिलोंग्स टू i, तो इसका हम उपयोग करेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा अर्थात यहाँ पर ये पाई बाई सिक्स, वेयर n बिलोंग्स टू i, यही व्यापक हल है जो हमें ज्ञात करना था। अब पांचवें प्रश्न पर देखते हैं कि 2 cos theta प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो इसे यदि हम सरल करें तो हमें मिल जाएगा cos theta इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, 2 cos theta इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, फिर 2 को पक्षांतर कर देंगे तो cos theta इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 आपको मिलेगा, तो इसका भी हमें व्यापक हल ज्ञात करना है। cos theta इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 ऋणात्मक है, अतः थीटा का मान द्वितीय व तृतीय चतुर्थांश पर स्थित होगा।
ये आपको पता है। अब पहले हम माना कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 ले लेते हैं, कॉस 60 डिग्री या फिर कॉस पाई बाई 3। तो कॉस पाई बाई 3, यहाँ से आप लिख सकते हैं अल्फ़ा इक्वल टू पाई बाई 3, ये मान हमें मिल गया। अब दूसरे चतुर्थांश पर हम कॉस थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे द्वितीय चतुर्थांश पर थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से आप लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 1/2 इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। तो 3 पाई माइनस पाई 2 पाई, तो ये हो जाएगा कॉस 2 पाई बाई 3। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 2 पाई बाई 3। तो चूंकि आपको पता है कि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा होता है, तो इसका जो व्यापक हल होता है ये थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा से दिया जाता है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, तुलना इससे कर रहे हैं तो ये मिल जाएगा 2 पाई बाई 3, वेयर n बिलोंग्स टू i। तो यह एक व्यापक हल है जो हमें ज्ञात करना था। इसके अलावा हम तीसरे चतुर्थांश पर भी मान ज्ञात करके उनके पदों में व्यापक हल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं तीसरे चतुर्थांश पर किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तृतीय चतुर्थांश पर थीटा इक्वल टू होता है पाई प्लस अल्फ़ा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 1/2 बराबर कॉस पाई प्लस अल्फ़ा, और ये अल्फ़ा ये वाला मान पाई बाई 3। तो 3 पाई प्लस पाई दैट इज़ 4 पाई, तो आपको मिल जाएगा कॉस 4 पाई बाई 3। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा हो तो उसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा मतलब ये पाई बाई 4 पाई बाई 3, वेयर n बिलोंग्स टू i। तो इस तरीके से ये दोनों व्यापक हल को प्रदर्शित कर रहा है। इस पर छठवां प्रश्न है tan थीटा इक्वल टू रूट 3, इसका हमें व्यापक हल ज्ञात करना है। तो इसे हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू रूट 3 इक्वल टू 10 पाई बाई 3। और आपको यह पता है कि tan थीटा इक्वल टू 10 अल्फ़ा हो तो इसका जो सॉल्यूशन है इसे लिखा जाता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। तो इसका हम उपयोग करेंगे tan थीटा इक्वल टू 10 अल्फ़ा, अल्फ़ा का मतलब यहाँ पर ये पाई बाई 3 से है। जब तुलना करेंगे तो आपको मिल जाएगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 3, वेयर n बिलोंग्स टू i। ये इस दिए गए समीकरण का व्यापक हल है जो हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न है cot थीटा प्लस रूट 3 इक्वल टू 0, या फिर इसे आगे सरल करें तो हम लिख सकते हैं cot थीटा इक्वल टू माइनस रूट 3, और आगे सरल करें तो यह मिल जाएगा cot को हम लिख सकते हैं 1/10 थीटा इक्वल टू माइनस रूट 3, और पक्षांतर करें तो आपको मिल जाएगा tan थीटा इक्वल टू माइनस 1/√3। तो tan थीटा इक्वल टू माइनस 1/√3 ऋणात्मक है, अतः थीटा का मान द्वितीय व चतुर्थ चतुर्थांश पर स्थित होगा। तो इसके लिए हम पहले अल्फ़ा का मान निकाल लेते हैं, अर्थात प्रथम चतुर्थांश पर उस कोण का मान निकाल लेते हैं जिसके लिए रूट 3 मिलता है। तो माना कि tan अल्फ़ा इक्वल टू 1/√3 है। tan 30 डिग्री या फिर पाई बाई 6 रेडियन के लिए हमें यह मान प्राप्त होता है, तो इसे हम लिखेंगे tan पाई बाई 6। तो यहाँ से आपको मिल गया अल्फ़ा इक्वल टू पाई बाई 6, इसका उपयोग हम आगे करेंगे। अब द्वितीय चतुर्थांश पर हम लिखते हैं थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा, तो आप लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू माइनस 1/√3 इक्वल टू 10 पाई माइनस पाई बाई 6। तो 6 पाई माइनस पाई 5 पाई, तो इसे लिखेंगे tan 5 पाई बाई
सिक्स। अब चूंकि आपको पता है कि टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा हो, तो इसका जो हल है ये थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस अल्फा, वेयर एन बिलोंग्स टू आई, इससे इसका हल लिखा जाता है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस अल्फा, अल्फा का मतलब ये पाई बाय सिक्स और ये एन बिलोंग्स टू आई। तो ये एक व्यापक हल आपको मिल चुका है। अब आ जाते हैं चतुर्थ चतुर्थांश पर। चतुर्थ चतुर्थांश पर हम लिखते हैं थीटा इक्वल टू टू पाई माइनस अल्फा। तो यहाँ से आपको मिलेगा टेन थीटा इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री, और इसको हम लिखेंगे इक्वल टू टू पाई माइनस पाई बाई सिक्स। इसे सॉल्व करेंगे तो सिक्स इंटू टू दैट इज़ ट्वेल्व, और ट्वेल्व पाई माइनस पाई एलेवन पाई। तो ये आपको मिल जाएगा टेन एलेवन पाई अपॉन सिक्स। टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस अल्फा से इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस एलेवन पाई अपॉन सिक्स, वेयर एन बिलोंग्स टू आई, ये इसका व्यापक हल है। तो यहाँ पर हमने थीटा इक्वल टू टू पाई माइनस अल्फा को लेकर के व्यापक हल ज्ञात किया है। थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा को लेकर के भी हम इसका व्यापक हल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो थीटा इक्वल टू हम माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं, माइनस अल्फा अर्थात ये माइनस पाई बाई सिक्स। तो इसे आप लिखेंगे टेन ऑफ माइनस पाई बाई सिक्स। टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस अल्फा होता है इसका सॉल्यूशन। तो हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई सिक्स। इसे जब आगे हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा थीटा इक्वल टू टू एन पाई माइनस पाई बाई सिक्स, वेयर एन बिलोंग्स टू आई। तो ये भी इसका व्यापक हल है। ये उत्तर भी सही है, ये उत्तर भी सही है। इसके पहले हमने एक और उत्तर निकाला था, वो भी सही है। तो इसमें अगला प्रश्न देखते हैं। टेन थीटा इक्वल टू माइनस वन के लिए हमें व्यापक हल ज्ञात करना है। इसके पहले हम लोगों ने यह देख लिया था कि टेन थीटा इक्वल टू माइनस वन का मुख्य मान क्या होता है। तो वहाँ पर आपको मिला था थीटा इक्वल टू थ्री पाई बाई फोर और सेवन पाई बाई फोर, इस प्रश्न के लिए मुख्य मान है। तो अर्थात यह हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू माइनस वन इक्वल टू टेन थ्री पाई बाई फोर। तो आपको यह भी पता है कि टेन थीटा इक्वल टू जब टेन अल्फ़ा होता है तो इसका जो हल है ये थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस अल्फ़ा, वेयर एन बिलोंग्स टू आई, इससे इसका हल दिया जाता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये देखिए टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फ़ा, तो थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस थ्री पाई बाई फोर, वेयर एन बिलोंग्स टू आई, ये एक व्यापक हल हो गया। दूसरा आप सेवन पाई बाई फोर को लेकर के भी इसका व्यापक हल लिख सकते हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू माइनस वन इक्वल टू टेन सेवन पाई बाई फोर। टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फ़ा हो तो थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस अल्फ़ा, और अल्फ़ा मतलब सेवन पाई बाई फोर है यहाँ पे, वेयर एन बिलोंग्स टू आई। तो इस तरीके से यह भी एक व्यापक हल है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर भी हमें व्यापक हल ज्ञात करना है। इसमें पहला प्रश्न है फोर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू थ्री। तो इसके पहले हम लोगों ने जो प्रश्न देखा वो कुछ इस तरीके से था, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा और टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फ़ा। यहाँ पर जो चर राशि है या साइन थीटा जो फंक्शन है ये स्क्वायर के फॉर्म पर है। तो इसे आगे हल करें तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू थ्री अपॉन फोर, या फिर इसे लिखा जा सकता है रूट थ्री अपॉन टू का होल स्क्वायर। तो ये रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा थ्री, और टू का स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा फोर। और इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई थ्री, क्योंकि साइन पाई बाई थ्री का मान होता है रूट थ्री बाई टू। तो आपको यह पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो तो इसका जो सॉल्यूशन है ये थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा से इसका हल दिया जाता है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा अर्थात पाई बाई थ्री, वेयर एन बिलोंग्स टू आई। तो ये जो प्रश्न है इसका व्यापक हल हमें मिल चुका है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री, वेयर एन बिलोंग्स टू आई। चलिए इस पे दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू फोर बाई थ्री। तो इसे आप लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू
टू अपॉन रूट थ्री का होल स्क्वायर। अब दोनों का यदि व्युत्क्रमानुपात लिया जाए तो आपको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू रूट थ्री अपॉन टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये कॉस पाई बाई सिक्स रेडियन का मान होता है, तो आप इसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर पाई बाई सिक्स। तो चूंकि आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है यह हमें मिलता है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, ये पाई बाई सिक्स है, वेयर एन बिलोंग्स टू आई। तो इस तरीके से थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई सिक्स वेयर एन बिलोंग्स टू आई, इस समीकरण का व्यापक हल है। चौथे प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू थ्री, तो इसे हम टेन के पदों में लिख लेते हैं। इसे आप लिख सकते हैं वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू थ्री, या फिर अब यदि दोनों पक्षों का व्युत्क्रमानुपात लिया जाए तो ये टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन अपॉन थ्री हो जाएगा, या फिर इसे आप लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री का होल स्क्वायर। ये है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन के किस एंगल के लिए आपको वन बाई रूट थ्री यह मिलता है, आपको पता होना चाहिए। ये होता है टेन पाई बाई सिक्स रेडियन, तो ये टेन स्क्वायर पाई बाई सिक्स, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब चूंकि आपको पता है कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फ़ा हो, तो उसका जो सॉल्यूशन होता है इसे हम लिखते हैं थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा वेयर एन बिलोंग्स टू आई। इसका हम उपयोग करेंगे और हम इसका हल लिखेंगे थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, अर्थात यहाँ पर है पाई बाई सिक्स वेयर एन बिलोंग्स टू आई। यह व्यापक हल है इस समीकरण का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू थ्री का। इसमें पांचवा प्रश्न देखते हैं। ये है थ्री टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ज़ीरो, तो इसे यदि आप तीन को पक्षांतर करें तो आपको मिल जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ज़ीरो, और इसे आप लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ज़ीरो डिग्री या ज़ीरो रेडियन। तो आपको ये पता है कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फ़ा हो, तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा होता है। तो यहाँ से हम इसका हल लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा का मतलब यहाँ पर ज़ीरो रेडियन से है। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा थीटा इक्वल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू आई, ये इस समीकरण का व्यापक हल है। या फिर आपने ये पढ़ा हुआ है कि टेन थीटा इक्वल टू ज़ीरो हो तो थीटा इक्वल टू एन पाई मिलता है।